हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड सिंदरी में कार्यरत लार्सन एंड टर्बो हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग रिंग द्वारा हर्ल परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर CRR के तहत शहरी क्षेत्र के विभिन्न संस्थाओं एवं क्लबों को खेलकूद के सामग्री, शिक्षण संस्थानों को कंप्यूटर, LCD वाटर फिल्टर, सिंदरी वासियों के लिए पानी के टैंकर आदि प्रदान किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धनबाद उपायुक्त उमा सिंह शंकर सिंह थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धनबाद उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने कहा कि हर्ल सिंदरी द्वारा यह अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि सिंदरी के पुराने गौरव लौटने वाले हैं और आसपास के इलाकों में असीम रोजगार उपलब्ध होगी, साथ ही विकास होगा। उन्होंने कहा सिंदरी के जनता को बहुत जल्द 3 से 6 माह के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 अस्पताल मिलने जा रहे हैं। शहरपुरा स्थित PHC में डॉक्टर समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं गौशाला स्थित शहरी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र सिंदरी को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो जाएगा, जहां 2400 घंटे डॉक्टर समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने कहा कि जिले में डॉक्टरों की कमी दूर करने के BMSPK से डॉक्टर, पारामेडिकल और 300 नियुक्ति जल्द ही की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने जनता के प्रति सचेत है, हर लगर सहयोग नहीं भी करते हैं तो भी सरकार अपने आप जनता को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने जा रही है। उन्होंने कहा कि FCI सिंदरी के बंद अस्पताल कभी बड़ा अस्पताल है, काफ़ी बड़ा अस्पताल है, उसका उपयोग होना चाहिए, परंतु यह ना जिला प्रशासन चला सकता है और ना हर इतना बड़ा अस्पताल चला सकती है। देश विदेश के समस्या ही मैंने FCI से कहा था कि उक्त अस्पताल को दिल्ली से NOC लेकर दीजिए, परंतु अभी तक नहीं दिया गया है। CSR फंड द्वारा सहयोग सिर्फ शहरी क्षेत्र के रसायनों में ही हल के द्वारा चुने जाने वाले तथा ग्रामीणों क्षेत्रों के भी क्लब और संस्था के सहयोग। कार्यक्रम में हर्ल महाप्रबंधक हिम्मत सिंह चौहान, OP कुशवाहा, HR कुणाल किशोर, रितेश पांडे, सौरभ कुमार एवं अन्य लोग उपस्थित थे। तो हम लोग जो CHC गौशाला है उसको भी एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि सिंदरी वासियों के लिए 2 विकल्प हो जाए। एक तो PSC जहाँ पर बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट आपको दी जाएंगी, और दूसरा कि थोड़ा सा हायर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होगा उसके लिए हम लोग गौशाला वाले को पूरा रिवाइव कर रहे हैं। एक सुपर स्पेशलिटी टाइप का बनेगा जहाँ पर 24/7 डॉक्टर रहेंगे। अब ये आप लोग के मन में आशंका होगी कि डॉक्टर तो है नहीं, कि डॉक्टर आएंगे कहाँ से। आज हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें कि BMFT के फंड से लगभग 70-80 स्पेशलाइज डॉक्टर की रिक्रूटमेंट हम लोग शुरू करेंगे। वो डॉक्टर की रिक्रूटमेंट होगी और ऐसे जगहों पर डॉक्टर को बिठाएगी, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, अदर पैरामेडिकल स्टाफ, लगभग कुल मिला के 300 के आसपास पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर एंड अदर मेडिकल ऑफिसर होंगे, जिनको हम लोग अगले 2 से 3 महीने के अंदर रिक्रूट करने वाले हैं। तो ये आपका बहुत वेल कंसर्न है, GM हमेशा इस कंसर्न के बारे में हमेशा बताते हैं, एंड वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट योर जेन्युइन रिक्वेस्ट। हम लोग इस पर तुरंत एक्ट करेंगे। कोई स्पेसिफिक डेडलाइन तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि नेक्स्ट 1 to 2 मंथ मैक्सिमम 2 मंथ में आपका ये PSC काम करना शुरू कर। ओके सर, एक चीज़ तो है, मुझे उसको दे दीजिए सर।